आपके सामने एक प्रॉब्लम रखी जा रही है, आपसे ये कहा जा रहा है आपने एक प्रोग्राम लिखना है C++ में, और आपने करना क्या है, आपने 10 एम्प्लॉइज का आईडी वो इनपुट करना है। बेटा अगर आपसे ये कहा जाता है कि भाई आपने 10 लोगों का आईडी स्टोर करना है, तो आप क्या करेंगे? बेटा आप 10 लोगों का आईडी स्टोर करने के लिए 10 वेरिएबल बनाएंगे। यस, जो आपके सामने जो सूरत हाल है उसमें आप तो यही करेंगे, क्योंकि आपको अभी तक वेरिएबल बनाना आता है। वेरिएबल के अंदर सिर्फ एक ही आदमी की, एक एम्प्लॉय की हम लोग जो है स्टोर कर सकते हैं डेटा वैल्यू। ओके, इफ यू आर आस्क्ड टू राइट अ C++ प्रोग्राम टू इनपुट द एम्प्लॉय आईडी और एम्प्लॉय नंबर्स ऑफ 100 एम्प्लॉयज, बेटा अगर आपसे ये कहा जाता है कि आपने 100 एम्प्लॉयज का जो है एम्प्लॉय आईडी या एम्प्लॉय नंबर आपने इनपुट करना है, तो क्या करेंगे आप? 100 वेरिएबल बनाएंगे, क्योंकि आपको तो वेरिएबल ही बनाने आते हैं ना अभी तक। माय डियर स्टूडेंट्स, इफ यू आर आस्क्ड टू इनपुट द NIDs, नेशनल आइडेंटिटी कार्ड नंबर्स ऑफ ऑल द सिटीजंस ऑफ पाकिस्तान, Think of this problem. My dear students, what will you do? You will create 22 crore variables. It will take a lot of time. Okay, my dear students. As far as the C++ programming is concerned, the problem solution in the C++ programming is before you.